brought to you by American Pistachios. अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्रेन की इंटेलेक्चुअल बहसों में सुनते आए होंगे कि सब नेहरू की गलती है, कुछ लोग तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए नेहरू को भी जिम्मेदार ठहरा देते हैं। न इंडस्ट्री लगती, न धुआं निकलता और न ग्लोबल वार्मिंग होती। आज संसद में भी नेहरू की बात हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बात कही जा रही है तो नेहरू की भी सुन लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई तो नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और आम्बेडकर ने भी इसका विरोध किया था। शाह ने बयान दिया दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा के दौरान। शाह लोकसभा में जवाब दे रहे थे। क्या कुछ हुआ आज लोकसभा में, आज इस बिल की चर्चा के दौरान बड़ी खबर में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं डी ललन टॉप शो। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिस पर आप कह सकते हैं आज सूरज पश्चिम से निकला था क्या। संसद में आज एक मौका ऐसा ही आ गया। दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा चल रही थी और इसी दौरान गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी की दास्तान सुनाने लगे। शाह ने कहा कि 1991 में संसद में 69वां संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत संसद को दिल्ली के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तब ये व्यवस्था चली आ रही थी। कांग्रेस ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस के साथ झगड़ा नहीं किया। कोई विवाद था ही नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं। पहले आप अमित शाह की इस बात को ही डिटेल में सुन लीजिए उनकी जबान से। 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था। मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मनसा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। राजनीति क्या कुछ नहीं करा सकती, आप विडंबना देखिए। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी के नेता अपनी पार्टी और कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि हमारे बीच तो कोई विवाद ही नहीं था, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी राजनीतिक रैलियों में ये कहते आए हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया, वही आज संसद में कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा तो सेवा थी। शाह ने कांग्रेस की तारीफ कर दी तो कांग्रेस के सदन में नेता अधीर रंजन ने यहां तक कह दिया कि वो अमित शाह का मुंह मीठा कराना चाहते हैं। सर, आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मनुष्य क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है? मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। बात आज दिल्ली के बिल पर थी, निशाने पर केजरीवाल थे। शाह ने कांग्रेस और बीजेपी की पारस्परिक समन्वयता बताई और तुरंत केजरीवाल की पार्टी को घेर भी लिया। शाह ने सीधा हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में जो सरकार आई है उसकी मंशा सेवा नहीं है, जिसकी सेवा थी वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया था, अधिकार हथियाने का मकसद है। 2015 में यहाँ स्थिति बदली और यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। शाह ने यहाँ से तोप का मुंह खोल दिया था और एक एक करके दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर गोले दागे जा रहे थे। शाह ने कहा कि इस बिल को लेकर किसी को दिक्कत नहीं है, बात तो यह है कि विजिलेंस को कंट्रोल करने को लेकर बंगले का सच छिपाना है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका सच छिपाना है। आपको ध्यान होगा कि कुछ महीने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले की तस्वीरें सामने आई थी। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी थी उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री के बंगले और ऑफिस के रेनोवेशन में 52 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हो गया।
इसके बाद शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि देश और दिल्ली के भले के लिए कानून बनाया जा रहा है और विपक्ष भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। थोड़ी देर पहले तक जो अमित शाह कह रहे थे कि कांग्रेस ने दिल्ली में सेवा की, उन्होंने अगले 10 मिनट बाद कहा कि यूपीए 2 के दौरान 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, इसलिए कांग्रेस आज विपक्ष में है। शाह ने विपक्ष के गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि जैसे ही ये बिल पारित हो जाएगा केजरीवाल की पार्टी इस गठबंधन से अलग हो जाएगी, इसीलिए विपक्ष को भी बिल का समर्थन करना चाहिए। अमित शाह के बाद कांग्रेस की तरफ से बिल का विरोध करने के लिए खड़े हुए सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी। चौधरी ने कहा कि अध्यादेश लाने की जल्दबाजी क्या थी, सवाल उठाया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब कोर्ट की छुट्टियां शुरू हुई तब यह अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी, सीधे बिल भी तो लाया ही जा सकता था। अधीर रंजन ने कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिल्ली में पावर शेयरिंग को लेकर फैसला सुनाया था। अधीर रंजन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या को पढ़ते हुए कहा कि कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 239 AA की व्याख्या की और कहा कि भले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता लेकिन संघीय ढांचे का ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में इस बिल को लाकर केंद्र सरकार संघीय ढांचे को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। अधीर रंजन उसी अनुच्छेद 239 AA की बात कर रहे थे जिसे अमित शाह ने भी कोट किया था। शाह ने कहा था कि दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना यूनियन टेरिटरी है और ना ही एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो राज्य समेत विधानसभा जहां पे हो, क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है। इसको ध्यान में रखते हुए 239 AA के तहत दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि सारी शक्तियां ब्यूरोक्रेसी को सौंपने की कोशिश की जा रही है तो फिर चुनी हुई सरकार का मतलब ही क्या रह जाएगा। उन्होंने कहा कि जब चुनकर जनता के नुमाइंदे विधानसभा जाते हैं तो क्या उनके अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा। अधीर रंजन ने यहाँ NCCSA का जिक्र किया। NCCSA यानी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। उन्होंने कहा कि NCCSA कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अधिकारियों का प्रतिनिधि दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी होगा, यानी दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री से ऊपर हो जाएंगे, वो मुख्यमंत्री के फैसले को पलट भी पाएंगे। अधीर रंजन ने कहा कि NCCSA से अधिकारियों को चुनी हुई सरकार के कंट्रोल से बाहर करने की कोशिश की गई है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने तो केजरीवाल को दिल्ली का एक चौथाई मुख्यमंत्री कहकर संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1300 करोड़ रुपए सिर्फ होर्डिंग टांगने पर खर्च कर दिए गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड में तो 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेखी ने कहा कि इसलिए इस बिल को लाने की ज़रूरत है, लेकिन मीनाक्षी लेखी ने भाषण के दौरान ईडी का जिक्र किया और हंगामा मच गया। इसके बाद दरअसल विपक्ष के एक सांसद ने केंद्रीय एजेंसी को लेकर सरकार पर तंज किया। इस पर जवाब देते हुए लेखी ने कह दिया कि शांत रहिए, कहीं आपके घर भी ईडी ना आ जाए। सुनिए ये बात। अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। जगनमोहन रेड्डी की YSRCP पहले ही इस बिल पर सरकार का समर्थन करने का ऐलान कर चुकी है। उनके सांसद पीवी मिथुन रेड्डी ने लोकसभा में खड़े होकर बिल का समर्थन भी किया। बीजेडी के सांसद पिनाकी मिश्रा ने भी इस बिल का समर्थन किया, लेकिन इंडिया और जाहिर तौर पर NDA से दूर रहने वाली AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध किया। शरद पवार के NCP से बोलते हुए सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर कई सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के सांसद लोकसभा में कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, तो फिर बीजेपी दिल्ली के हर चुनाव में मैनिफेस्टो जब आता है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात क्यों कहती है। इसके बाद विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के शशि थरूर ने बिल का विरोध जताया। शाह ने डिबेट में पंडित नेहरू का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर नेहरू ने विरोध जताया था। इस पर थरूर ने कहा कि तब की दिल्ली और अभी की दिल्ली में बहुत अंतर है, तब दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते थे, अब हैं। थरूर ने मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि बीजेपी हर मामले में नेहरू का विरोध करती है तो फिर इस मसले पर क्यों नहीं जता रही विरोध। थरूर ने कहा कि संविधान में ये कहा गया है कि संसद दिल्ली के लिए कानून बना सकती है, लेकिन अधिकारियों और सर्विसेज स्टेट लिस्ट में आती हैं और उनके लिए कानून बनाना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ छेड़छाड़ होगी। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से कई सांसदों ने अपने बयान रखे और बिल पर वोटिंग हुई। ध्वनिमत से ये बिल पास हो गया। दावा करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों पक्ष में, प्रस्ताव स्वीकृत, विधेयक पारित हुआ। बढ़ते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दिन की दूसरी बड़ी खबर में दिल्ली से आपको लेके चलते हैं मणिपुर। आज 3 अगस्त को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में सशस्त्र बलों और मैतेई समुदाय के प्रदर्शनकारियों के बीच गोलीबारी हो गई। हथियारों और पत्थरों से लैस भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में कम से कम 17 लोग घायल बताए गए हैं। आपने TV पर गोलीबारी का वीडियो देख लिया होगा।
पहले वही विजुअल्स आप भी देखिए, फिर आपको मंजर बताएंगे। भारी भरकम गोलीबारी हो रही है और इस आर्मर्ड गाड़ी के पीछे हम रुके हुए हैं। पुलिस की गोलीबारी हो रही है। AK-47 की गोलियां चल रही है। वहां मार्शल पुलिस पहुंच चुके थे। उसकी टुकड़ी आगे बढ़ रही है। पुलिस उनको वहां पर रोक रही है उस किनारे में। उन्हें कह रही है वहां से पीछे जाइए। भारी गोलाबारी हो रही है। आर्यफ वहां पर खड़ी है, उनको कह रही है कि पीछे चले जाएं बफर में जाने से। जिस रिपोर्टर को आपने देखा उनका नाम है आशुतोष, इंडिया टुडे से जुड़े हुए हैं। फायरिंग के वक्त सशस्त्र बलों की बंदूकों और प्रदर्शनकारियों के पत्थरों के बीच से रिपोर्ट कर रहे थे, जिन्हें आप नहीं देख पाए क्योंकि आप उन्हीं की नज़र से मंजर देख रहे थे। वह कैमरा पर्सन संजय। अब आपको बताते हैं कि स्थिति बिगड़ी क्यों। मणिपुर की इस भयानक हिंसा के 3 महीने पूरे हो गए हैं। माहौल में वाकई भय है। बड़ी संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। कई इलाकों में घरों पर ताले लटके हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों के भी, कैबिनेट मंत्रियों के भी मणिपुर के, और कई विधायकों के इम्फाल में घरों में वो दिखेंगे नहीं आपको, जले हुए घर। गांव में वीरान चुप्पी है। सरकार कुकी और मैती समुदाय के बीच सामंजस्य बनाने की प्रयास कह रही है कि कर रही है, मगर बहुत सफल हो नहीं पा रही है। इस बीच आदिवासी संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने ऐलान किया कि हिंसा में कुकी जो समुदाय के जो लोग मारे गए हैं उन्हें साथ में दफनाया जाएगा। चूड़ाचांदपुर जिले के लमका शहर में है तुईबोंग शांति मैदान। यहीं पर 35 मृतकों को दफनाया जाना था। ये इलाका चूड़ाचांदपुर और बिष्णुपुर जिले के बॉर्डर पर पड़ता है और स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक चूड़ाचांदपुर में तो कुकी आबादी ही ज़्यादा है, लेकिन तुईबोंग में तो बाहुल्य है। सो मैते इलाके में कुकियों के दाह संस्कार की खबर फैलने से तनाव बढ़ गया। ITLF फॉर द रिकॉर्ड एक प्रेशर ग्रुप है कुकीज़ो की तरफ से। क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान, इन्हीं दोनों अस्पतालों की मौचुरी में जातीय संघर्ष में मारे गए लोगों के शव रखे हुए हैं। ITLF के ऐलान की बात फैली तो दोनों अस्पतालों के पास बड़ी भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया। ITLF के इस निर्णय को ऐसे देखा गया कि ये जानबूझकर चुनी गई है जगह, क्योंकि इसी क्षेत्र में पहली बार दोनों समुदाय के बीच हिंसा भड़ गई थी। चूंकि ITLF कुकी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और अलग राज्य की मांग की जिरह भी करता है, इसीलिए ऐसे भी देखा गया कि ITLF सामूहिक दाह संस्कार करके एक अनौपचारिक सीमा खींचना चाहते हैं, प्रोवोकेट कर रहे हैं। मैते सिविल सोसाइटी ग्रुप कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटेग्रिटी COCOMI ने सीधे तौर पर कहा कि यह कदम दोनों समुदायों के बीच फिर से हिंसा उकसाने का सुनियोजित प्रयास है। अभिनंदन की ऐसी आशंका थी तो मणिपुर हाईकोर्ट ने मामले में दखल दिया। तड़के 5 बजे सुनवाई भी हुई और 6 बजे आदेश भी आया। सुबह सुबह चीफ जस्टिस MV मुरलीधरन और जस्टिस ए गुणेश्वर की बेंच ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों समुदाय के लोगों से कहा कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखनी है, किसी को कोई गतिविधि करनी नहीं है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव और DGP से कहा है कि वो मामले पर अपना रिस्पॉन्स कोर्ट को सौंपें। अगली सुनवाई 9 अगस्त के रोज होगी। इधर कोर्ट के आदेश, गृह मंत्रालय के अनुरोध और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के हस्तक्षेप के बाद ITLF ने इस मास बरियल को स्थगित करने का ऐलान किया। उच्च न्यायालय और ITLF के फैसले के बाद कायदे से मामला शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन यह ऐलान जनमानस तक पहुंचे इससे पहले लमका शहर में भीड़ जुटने लगी। मैतेई महिलाओं के नेतृत्व में सैकड़ों स्थानीय रहवासियों ने सेना और RAF के बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की। मांग की कि उन्हें दफन स्थल तक के जाने दिया जाए। इसी के बाद संघर्ष शुरू हुआ, फिर पत्थरबाजी, फिर पुलिस का रिटेलिएशन। स्थिति बिगड़ी क्यों और मैतेई लोग स्थल पर क्यों जाना चाहते थे, ये समझने के लिए हमने बात की आशुतोष से, जिनका वीडियो आपने अभी कुछ देर पहले देखा था। वो जहाँ दफन करने जा रहे थे वो बिष्णुपुर जगह में तुईबोंग जगह है, थोरबोंग से जो बफर जोन है वहां से लगभग कुछ 10 किलोमीटर आगे, लेकिन चूंकि ये बिष्णुपुर की घाटी में ही था तो मैती समाज को इस पर आपत्ति थी। एक तो उनका कहना था कि जो मारे गए हैं वो कुकी नहीं है, वो तो इलीगल इमिग्रेंट हैं। दूसरा वो कह रहे हैं आप जो शब्द जहाँ जिनको दफन करोगे ये सरकारी जमीन है और यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरा वो कह रहे हैं कि मेटी इलाकों में शब्द दफन नहीं करने देंगे। और चौथी बात ये थी कि उनका कहना है कि देखिए हम बफर जोन के इस पार रोका जा रहा है, जबकि हमारे जो घाटी जहां तक है जहां मिलती रहते हैं उन इलाकों में कुकी को आने जाने दिया जाता, वो यहां फ्री एक्सेस करते हैं। तो इसी को लेकर के जो महिलाओं का पूरा संगठन है, जीरो मायरा वाइपिस कहते हैं यहां पे, मीरा वाइपिस संगठन से जुड़ी करीबन हजारों की संख्या में महिलाएं सुबह से ही वो इस कार्यक्रम के विरोध में पहुंचने लगी और वहां जो इलाका है विष्णुपुर का थोरबंग का वहां पर जो है पहले से करीबन 1 किलोमीटर लंबा बफर जोन है जिसमें इंडियन असम राइफल्स है, इंडियन आर्मी है, BSF है, CRPF है, रैपिड एक्शन फोर्स है। तो जब बैरिकेड पर गए तो ये इनका कहना था कि हमें हमारे इलाके में जाने दो। कुछ लोगों ने उनसे बात करते कहा देखिए हमारे घर उस पार है, उसको जलाया गया, हम कब तक रहेंगे रिलीफ कैंप में, अगर मरना ही है तो हम अपने घर जाकर के मरेंगे।
लेकिन जब उनको नहीं जाने दिया तो वहां धक्का मुक्की हुई, रैपिड एक्शन फोर्स के बैरिकेड छीनने की उन्होंने कोशिश की, और जब वो आगे आगे पीछे होने लगे तो पहले जो प्रदर्शनकारी थे उनकी ओर से पत्थर और लकड़ियां रैपिड एक्शन फोर्स पर भेजी गई। उस धक्का मुक्की से बचने के लिए उन्होंने चिली स्प्रे, बहुत हाथ में ही था, चिली स्प्रे का इस्तेमाल किया ताकि, और उसके बाद जब आंखें जलने लगी, महिलाएं कुछ पीछे आई, तब तक दूसरी टोली आ गई। जब ये आगे बढ़ी तब पीछे से कई लड़के भी शामिल हो गए और उन्होंने लकड़ी पत्थर फेंकना शुरू किया। आरएफ ने भी तुरंत उसी इससे जवाब दिया, लकड़ी और पत्थरों से ही, लेकिन स्थिति तब बढ़ी जब फिर पत्थरबाजी तेज हो गई और तब जवाबी कार्रवाई में जो रैपिड एक्शन फोर्स जिस तरफ थी उस तरफ से अंधाधुंध आंख के गोले दागे जाने लगे और हवाई फायरिंग होने लगी, और इतनी फायरिंग थी कि अब वो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए हवा में फायर कर रहे थे तो ठीक उनसे 50 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ी मणिपुर की जो पुलिस थी, राज्य की सरकार की पुलिस थी, उनकी स्पेशल टीम थी, उन्होंने भी हवा में फायर शुरू करने आज, मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति भी जैसे केंद्रीय बलों के सामने राज्य सरकार की पुलिस जो है आमने सामने हथियार ताने खड़ी हो गई हो। उन्होंने हवा में फायर किया तो इन्होंने भी जवाब देने के लिए हवा में फायर किया, और उसके बाद जो महिलाएं जब पीछे खिंचकी तो उनको पुलिस ने वहां से निकाला, उनको इलाकों में भेजा। हालांकि आरएएफ के कई लोगों को भी चोटें आई पत्थरबाजी में, वो आके कहने लगे कि देखिए आपने जो किया उसके उसके चलते क्या हुआ है, और यहाँ के लोग जो थे वो कह रहे थे कि हम और आप एक ही घर के लोग हैं, हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं, आप किसके साथ आखिर खड़े हैं। और जब ऐसी स्थिति हुई, हालांकि ज्यादा देर ये नहीं चला, लेकिन कुल मिला के जो रस्साकसी थी वो चलती रही घंटे दो घंटे तक, उसके बाद तमाम महिलाएं वापस लौट आईं और उसके बाद वहां की पुलिस ने हमें वहां से जाने के लिए कह दिया। बीते दो दिनों से हम आपको नूह की हिंसा का हाल बता रहे हैं, मणिपुर पर तो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था की बेकदरी और प्रशासन की चूक ने भाजपा की डबल इंजन फिलॉसफी पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स में स्मृति काक रामचंद्रन ने अपने हालिया लेख में लिखा है कि विधानसभा चुनाव के वक्त डबल इंजन भाजपा का एक प्रमुख सेलिंग पॉइंट रहा है। पार्टी इस बात पर जोर देती है कि डबल इंजन सरकारें राज्यों में बेहतर सुविधाएं, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करती हैं। दो उदाहरण तो हमारे सामने ही हैं, दोनों ही राज्यों की स्थिति पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा भी है, लेकिन पार्टी ने अपने मौजूदा मुख्यमंत्रियों का समर्थन किया है। पार्टी के लिए तगड़ा मैसेज है, लेकिन जनता का क्या? ये सवाल आप भी पूछिए, हम भी पूछते रहेंगे। आज का दिल्ली टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभरात्रि।